हेलो फ्रेंड, ओमनीसियन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप टॉप करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सभी परीक्षाओं के लिए, और इसकी श्रृंखला में मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, और आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो जो है हमेशा मिलते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, जिसमें प्रश्न होंगे और जो कि परीक्षा उपयोगी होगा। और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी तो मिल ही जाए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, तो शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव, जो कि एंटोनियो गुतरेश हैं, कि भारत की यात्रा पर कब आ रहे हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच जो है एंटोनियो गुतरेस भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। देखिए, वो 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस समारोह का आयोजन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह और स्वच्छ भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। इसके अलावा इस यात्रा में गुतरेस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की महासभा की पहली बैठक में भी हिस्सा लेंगे, और री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस तथा इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि IORA के सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की दूसरी बैठक में भी हिस्सा लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत कहाँ से जो है किया गया है। उत्तर है झारखंड। झारखंड के रांची से जो है आयुष्मान भारत का शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और इस दिन अवसर पर जो है 57 लाख से अधिक लोगों को जो है ये सौगात मिलने वाला है। ठीक है, इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है जेपी नड्डा, अश्विनी चौबे और अनुप्रिया पटेल भी जो है शामिल होंगे। इसके साथ साथ देश के अन्य राज्यों की राजधानी में भी जो है इस कार्यक्रम का जो है शुरुआत किया गया है। तो रांची के प्रभात तारा मैदान से शुरू हो रहे इस योजना, यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है प्रत्येक परिवार को 5 लाख का जो है बीमा किया जाएगा और 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से जितने भी लोग रहेंगे लाभार्थी, उन लाभार्थियों के लिए जो है सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल सभी जगह जो है मुफ्त में इलाज किया जाएगा बिना कोई कुछ खर्च किए हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है कि भारत के किस राज्य में चक्रवाती तूफान जो है डाए, ठीक है, डाए DAYE आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट न्यूज है एक तरह से। देखिए, उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, तो जो चक्रवाती तूफान डाए है ये उड़ीसा के गोपालपुर से जो है टकराया है, जहाँ से मतलब 48 घंटे से जो है रेगुलर बहुत बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से जो बाढ़ की स्थिति भी उड़ीसा में बन गई है। इस चक्रवाती तूफान डाए के जो प्रभाव से जो है भूस्खलन के बाद राज्य के गजपति, गंजम, पुरी, रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, मलकांगिरी और नवरंगपुर जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश जो हुई है, और जो है 22 तारीख तक जो है रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट और नवरंग जिलों में भारी से अधिक बारिश होने की जो है संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो ये मौसम विभाग का जो है कुछ लेटेस्ट न्यूज़ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, कि देश में यानी कि इंडिया में प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की जो है जाने जाती है। देखिए, उत्तर जो हो जाएगा ये 400 लोग। तो 400 लोगों की जो है मृत्यु प्रतिदिन जो है सड़क दुर्घटना में हो जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। देखिए दोस्तों, ऐसी तरह की घटनाओं के कारण जो है केरल के सुब्रमण्यम नारायण ने जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक 36 लाख कदमों से यात्रा पूरा करने की ठानी है। 28 जुलाई 2018 को जो है सुबू ने अपनी यात्रा शुरू की
जिसमें शहर दर शहर लोग जुटते गए और कारवां बनता गया। 41 वर्षीय सुबू का लक्ष्य देश के हर नागरिक को सड़क चलने का जो सुरक्षित हक दिलाना है। तो ये सब इम्पोर्टेंट बात है और देश में इस तरह के जो है बचाव के लिए बहुत सारे काम भी किए जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके लिए एक कार्यक्रम भी चलाया गया जैसे ड्राइव स्मार्ट ड्राइव सेफ मिशन। इसके तहत जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 1 करोड़ कदमों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें देश का हर नागरिक अपने कदम स्वेच्छा से जोड़ सकता है। तो आप भी जोड़े इसमें अपना कदम। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि यौन अपराधियों के बारे में देश के पहले ऑनलाइन और केंद्रीकृत राष्ट्रीय डाटाबेस सेंटर यानी कि NDSO का उद्घाटन जो है किसने किया। ये 21 तारीख को किया गया उद्घाटन, 21 सितंबर को। उत्तर है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। इस तरह के सेंटर को शुरू करने से जो है यौन अपराध के मुकदमे को जो है तेज से निपटारे में जो है मदद मिलने वाली है। राष्ट्रीय डाटाबेस सेंटर के जो है उद्घाटन के बाद जो है इस तरह की सूचनाएं और आंकड़े रखने वाला भारत जो है 9वां देश बन गया है। इस डाटाबेस में दोषी करार दिए गए यौन अपराधियों के नाम, फोटो, पता, उंगलियों के निशान तथा अन्य जानकारियां जो है उपलब्ध रहेगी। तो राजनाथ सिंह ने जो है दो तरह के वेबसाइट जो कि एक महिला की सुरक्षा को लेकर ही जुड़ा हुआ है, जिसका नाम cybercrime.gov.in है, और इस वेबसाइट में नागरिकों द्वारा महिलाओं और बच्चों के होने वाले अपराधों की जो है अपराध को जो दर्ज करवा सकेंगे। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयास किए गए हैं। अब देखिए, गृह मंत्रालय ने साइबर और फॉरेंसिक लैब बनाने के लिए पहले ही जो तकरीबन 95 करोड़ रुपए दिए हैं, जो साइबर क्राइम को रोकने के प्रशिक्षण और खोजबीन को और भी ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा देश की पहली ऑनलाइन नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर वेबसाइट के लॉन्च के साथ ही दुनिया का जो है ये 9वां देश बन गया है जिसके बारे में बात हो रहा है। और ठीक है, तो एक ये है और राष्ट्रीय डेटाबेस सेंटर जी NSDO, इसको नेशनल फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर वेबसाइट है, ये हो गया। इसके बाद जो है cybercrime.gov.in, ये दो तरह के वेबसाइट जो है इसकी शुरुआत किया गया है। देखिए, राजनाथ सिंह ने जो कहा है कि अभी तक कुल 4.5 लाख सेक्सुअल ऑफेंडर की जानकारी इस डाटाबेस में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले समय में बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर की जो है आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया। उत्तर है नई दिल्ली। तो दिल्ली में यानी नई दिल्ली में ये रखा गया है अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर की आधारशिला। कहा इसमें कहा गया मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया कि GST और आयुष्मान भारत जैसे सुधारवादी कदम 21वीं शताब्दी के न्यू इंडिया के स्पीड स्किल और स्केल के संकल्प के प्रतीक है। ठीक है, और इसी दिशा में ये है खोला गया है। अब देखिए, पूरा नाम की बात की जाए तो देखिए ये दिल्ली के द्वारका में खुला है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस मौके पर PM मोदी ने कहा कि सरकार राष्ट्र हित में कठिन फैसलों को लेने में पीछे नहीं रहती। द्वारका जाने के लिए प्रधानमंत्री ने धौला कुआं से मेट्रो की सवारी की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर एंड एक्सपो सेंटर, ठीक है, के बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण बात जानते हैं। देखिए, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका के सेक्टर 25 में भव्य कन्वेंशन सेंटर होगा। यह 221 एकड़ में फैला होगा, जिसका निर्माण 1,10,00,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में होगा। इससे 5,00,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा और 25,700 करोड़ रुपए की इस परियोजना के पहले चरण का काम दिसंबर 2019 तक पूरा होगा। इसके दूसरे चरण के जो है 2024 तक पूरा होने की संभावना है और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे
बड़े 10 कन्वेंशन सेंटर में से होगा। ये सेंटर जो है देश के 5 लाख युवा साथियों को जो है रोजगार के अवसर देने वाला है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि 3 तलाक अध्यादेश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो कब हस्ताक्षर किए। उत्तर है 19 सितंबर। उत्तर है 19 सितंबर। 19 सितंबर 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो 3 तलाक के अध्यादेश पर जो है सिग्नेचर कर दिए, जिसके वजह से जो ये कानून के रूप में बदल गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नेतृत्व में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक हुई, जिसमें 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को मिली मंजूरी, ठीक है, मंजूरी दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसके बाद जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो हस्ताक्षर किया। दोस्तों, इस कानून के तहत जो है 2 साल की जो है सजा का, यानी तो क्षमा करेंगे दोस्तों, ये 3 तलाक जो है 3 साल का इसमें प्रावधान है सजा का, और सजा के साथ साथ जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके बाद जो है महिलाओं को गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा और बच्चा का जो अधिकार है महिला को ही मिलेगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था कुछ खास। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि केंद्र सरकार ने किन योजनाओं के लिए ब्याज दर जो है अक्टूबर और दिसंबर तिमाही के लिए 0.04% जो है बढ़ाया है, तो वृद्धि हुआ है ये ब्याज दर में। देखिए, ऑप्शन जो हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि और सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो उपयुक्त सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को NSC कहा जाता है, जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि को यानी PPF कहा जाता है। तो इन 3 योजनाओं के अलावा जो है किसान विकास पत्र पर भी जो है कुछ प्रतिशत की छूट मिलने वाली है। आइए जानते हैं। देखिए, 5 साल की सावधि जमा पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर पहले जो कि 8.3% था, उसको बढ़ाकर 8.7% कर दी गई है। PPF और नेशनल सेविंग स्कीम पर जो भारत में 7.6% की जगह जो 8% की सालाना से जो ब्याज मिलेगा, ठीक। किसान विकास पत्र पर 7.3 के मुकाबले जो है 7.7% की दर से ब्याज मिलेगा, और अब यह जो है 112 सप्ताह में जो है परिपक्व हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में 8.1% की जगह 8.5% की दर से जो ब्याज मिलेगा, यानी 8.5% हो गया है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के तीसरी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें संशोधित की गई है, और इससे छोटी बचत करने वाले को जो है लाभ मिलेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर जो है 9 है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किन बैंकों का विलय का जो है निर्णय लिया है। उत्तर है डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है मिलाने जा रही है सरकार। इसकी निर्णय का जो है घोषणा भी कर दिया गया है। तीनों बैंकों के विलय से देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक जो है बन जाने वाला है। बैंकों ने 2008 से पहले 18 लाख करोड़ का कर्ज दिया था। 2008 से 14 के दौरान बैंकों द्वारा जो दिया गया कर्ज 55 लाख करोड़ पहुंच गया। 2008 से 14 के बीच अधिक लोन ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। प्रश्न नंबर 10 है कि अभी हाल ही में DRDO ने चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र से कौन सा मिसाइल का जो है परीक्षण किया है, ठीक है, और आंसर जो हो जाएगा ये है प्रहार, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में स्वदेश में विकसित और सतह से सतह पर कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार का जो है उड़ीसा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा जो है विकसित प्रहार मल्टी बैरल रॉकेट
प्रणाली पिनाका और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अब पृथ्वी के अंतरों को पाटने में सक्षम होगा। इसके अलावा विभिन्न दिशाओं में कई लक्ष्य को जो है साध सकती है। यह परीक्षण लक्ष्य रखा गया है कि जिसे 200 किलोमीटर की दूरी तय की जाए, ठीक है, 200 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है और मिशन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। इस अत्याधुनिक मिसाइल के का जो है यहाँ के पास के स्थित चांदीपुर समन्वित परीक्षण रेंज यानी ITR दोपहर में जो है इसका परीक्षण किया गया था, ठीक है। और ये 20 सितंबर को जो है दोपहर 1:35 पर इसका परीक्षण किया गया था। दोस्तों ये थे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। आपको कैसा लगा मुझे अपने कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए आने वाली वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।